नमस्कार दोस्तों, बीटे अकेडमी में आपका जोरदार स्वागत है। और आज मैं आपके लाया हूं यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर का प्रीवियस ईयर एग्जाम एनालिसिस। जी हां दोस्तों, वर्ष 2018 का कंप्यूटर ऑपरेटर का कुछ कठिन प्रश्न है जिनका हम आज विश्लेषण करेंगे। तो दोस्तों आइए आज हम करते हैं। पहला हमारा प्रश्न क्या है दोस्तों, पहला हमारा प्रश्न है ये दोस्तों, एल्गोरिज्म लिखा हुआ है, ये किसी लैंग्वेज का लिखा हुआ प्रोग्राम नहीं है, ये क्या है दोस्तों? एल्गोरिज्म है। इसको आप क्या कहेंगे? ये एल्गोरिज्म है। क्या है? एल्गोरिज्म है। तो इस एल्गोरिथम को आपको एनालिसिस करना है और इसके बेस पर आपको बताना है कि कोड का आउटपुट क्या होगा। दोस्तों देखिए, पहला स्टेप इसमें क्या है, पहले एक बार प्रश्न को देख लेते हैं। प्रश्न हमारा यह है, व्हाट विल बी द आउटपुट इफ वी चेंज द कंडीशन टू n1 लेस देन n2, कि इस कोड का आउटपुट क्या होगा यदि हमने कंडीशन इस कोड में यदि हमने कंडीशन ये चेंज की है n1 लेस देन n2, यदि हमने इस कंडीशन को यह परिवर्तित किया है तो आउटपुट क्या होगा। तो दोस्तों इस तरह के प्रश्नों को हल करने से पहले सबसे पहले आपको मान लेना जरूरी है। तो मान लिया आपने दोस्तों n1 की वैल्यू क्या हुई, n1 की वैल्यू हुई आपकी 10 और n2 की वैल्यू क्या हुई 20। आपने पहले अज्यूम कर लिया n1 की वैल्यू 10 हुई, n2 की 20 हुई। चलिए अब इसको हम करके देखते हैं। तो पहले कंडीशन दोस्तों क्या चेक होगी, n1 10, कंडीशन लेस देन n2 क्या है 20। अब आप हमें बताइएगा इस केस में क्या होने वाला है, इफ n1 लेस देन n2 तो 10 20 से छोटा है। जी हां छोटा है, तो प्रिंट क्या है n1, n1 प्रिंट हो रहा है। तो क्या प्रिंट हो गया, n1 की वैल्यू 10 प्रिंट हो गया। ठीक, अब इस केस में हम क्या करते हैं, कंडीशन को चेंज कर देते हैं। इस बार n1 मान लिया हमने 20 और n2 मान लिया हमने 10। अब कंडीशन क्या बनेगी, अब देखिएगा इस केस में कंडीशन क्या बनेगी, कर लेते हैं अभी। इस बार अगर हम कंडीशन देखेंगे तो इस बार कंडीशन बनेगी 20 लेस देन 10, तो 20 10 से छोटा नहीं होता है, तो क्या हुआ फॉल्स में जाएगा, एल्स में जाएगा, प्रिंट n2। तो इस अवस्था में क्या प्रिंट हुआ, n2 यानी 10 प्रिंट हुआ। तो आप देख रहे हैं चाहे आप n1 को 20 माने या 10 माने, दोनों ही अवस्था में स्मॉलेस्ट नंबर प्रिंट हो रहा है। तो आइए दोस्तों अब हम विकल्प को मैच कर लेते हैं, क्या हमारा विकल्प होगा, क्या है इसमें। सी विकल्प सही है, स्मॉलेस्ट ऑफ द टू नंबर्स विल बी डिस्प्लेड, दोनों नंबरों में से जो छोटा नंबर होगा वो प्रिंट हो जाएगा। देखा दोस्तों आपने, इस तरह के प्रश्नों पे क्या करना होता है, इस तरह के प्रश्नों पर हमें कुछ वैल्यू मानकर और प्रोग्राम के अंदर रन करा के देखना होता है। तो देख लिया आपने, नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों क्या है। चलिए दोस्तों बड़ा मजेदार प्रश्न है, फिर से एक जोरदार शानदार प्रश्न आपके सामने आया है। क्या है देखिए दोस्तों, सेट स्टार्ट किया, ये भी एक एल्गोरिथम लैंग्वेज में लिखा हुआ है। किसमें लिखा हुआ है, एल्गोरिथमिक लैंग्वेज में लिखा हुआ है। आप ये नहीं कहेंगे कि सी भाषा में है, जावा में है, पाइथन में है, ये एल्गोरिथमिक भाषा में है। बाकी आपको पाइथन भाषा या सी भाषा के कोड भी पढ़ने होंगे, आपको ऐप पर पढ़ा दिया जाएगा या ऑफलाइन क्लास में पढ़ा दिया जाएगा आपको। तो पहला क्या है दोस्तों, इसमें देखेंगे आप स्टार्ट, फिर सेट नम इज इक्वल टू जीरो, नम इज इक्वल टू जीरो इसमें लिखा हुआ है। तो नम इज इक्वल टू जीरो में क्या है दोस्तों, इसमें हमने लिखा नम इज इक्वल टू जीरो, तो नम इज इक्वल टू जीरो में नंबर एक वेरिएबल है, उसकी वैल्यू जीरो आपने दे दी। दूसरा स्टेटमेंट क्या, एंटर द नंबर, यानी नंबर एंटर करने के लिए कहा गया है, रीड नंबर, नंबर को रीड करने के लिए कहा गया है। तो देखिए दोस्तों, सपोज दैट हमने एक नंबर रीड किया 4 नंबर रीड किया, अब कंडीशन वाले सेक्शन में देखते हैं क्या होगा इसमें। रिमाइंडर, रिमाइंडर ऐसे लिखा जाएगा,
नम यानी 4/2 = 0। अब ये फंक्शन क्या कर रहा है कि रिमाइंडर 4/2 को डिवाइड करके जो रिमाइंडर होगा वो ये रिटर्न करके देगा। तो 4 को अगर हमने 2 से डिवाइड किया तो 2 × 2 = 4, रिमाइंडर कितना बचा 0, यानी 0 = 0। क्या होगा, 0 0 के बराबर है, तो क्या हो गया, कंडीशन हमारी सही हो गई। तो क्या होगा प्रिंट, यस प्रिंट हो जाएगा। सवाल देख लेते हैं, सवाल वाले ने क्या कहा है कि अगर यस प्रिंट होना है तो नंबर क्या होगा। अब आपने देखा यस प्रिंट होना है तो यस प्रिंट कब हो रहा है कि जब नंबर इवन है, तो हमारा नंबर कैसा होना आवश्यक है, इवन नंबर होना चाहिए। यस को प्रिंट करने के लिए इवन नंबर होना चाहिए। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या है। अगला प्रश्न दोस्तों है HTML का है। HTML की फुल फॉर्म क्या होती है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। क्या होती है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, मार्कअप लैंग्वेज सबको ये जानते हैं, सबको पता है। दोस्तों क्या है इसमें पूछा हुआ, इसमें यह पूछा हुआ है कि HTML का कोड सेगमेंट है, एक पैराग्राफ में इमेज हमें इंसर्ट करनी है, कौन सा कोड सही होगा। देखिएगा दोस्तों पेपर बहुत आसान नहीं बन रहे हैं आजकल, आपको हर लैंग्वेज का ज्ञान होना चाहिए। हमारे ऐप पर हम सभी लैंग्वेज की क्लास आपको देने की कोशिश कर रहे हैं। बीटा एकेडमी का ऐप है, उस ऐप को आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। फ्री मटेरियल सेक्शन में विभिन्न कोर्स है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिएगा दोस्तों क्या है हमारा, अगर हमें पैराग्राफ में इमेज को इंसर्ट करना है तो पैराग्राफ के लिए पी टैग प्रयोग होता है, बंद कर दिया, और इमेज इंसर्ट करने के लिए IMG टैग प्रयोग होता है, और उसके साथ हम SRC एट्रीब्यूट भी लगाते हैं। क्या करते हैं, SRC एट्रीब्यूट भी लगाते हैं, तो हमारा सी विकल्प सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न क्या है हमारा, इमेज को इसमें आपको याद रखना होगा, इमेज के साथ आप अगर पोजीशन चेंज करनी है तो अलाइन एट्रीब्यूट का प्रयोग करेंगे, इमेज की हाइट और विड्थ सेट करेंगे तो हाइट और विड्थ एट्रीब्यूट का प्रयोग करेंगे। ये कुछ टैग्स, ये कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, ये एट्रीब्यूट्स होते हैं जो कि आप टैग्स के साथ लगा सकते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं क्या है हमारा, व्हाट विल बी डिस्प्लेड इन द ब्राउजर पेज व्हेन द फॉलोइंग कोड इज इंक्लूडेड। जब एक कोड को हम इंक्लूड करेंगे तो ब्राउजर में क्या डिस्प्ले करेगा। देखिएगा दोस्तों पहले ही मैं बता चुका हूं, ये जावा स्क्रिप्ट का प्रश्न है। किसका है, जावा स्क्रिप्ट का प्रश्न है। तो जावा स्क्रिप्ट के वर्ष 2018 के पेपर में 4 से 5 प्रश्न आए थे, उसमें से इससे पहले वाली वीडियो में हमने डिस्कस किया है। तो दोस्तों आपको याद रखना होगा document.write जावा स्क्रिप्ट की अलग से क्लास हमारे ऐप पर आपको मिलेगी, आप प्ले स्टोर से बीटा एकेडमी का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, फ्री मटेरियल में विभिन्न PDF आपको मिल जाएंगे। क्या है दोस्तों document.write क्या करता है, document.write के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, ये प्रिंट का स्टेटमेंट होता है, इस फंक्शन के अंदर जो भी लिखा जाएगा वो एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। तो इसका आउटपुट क्या आने वाला है, हेलो वर्ल्ड आने वाला है। और जावा स्क्रिप्ट आपको याद रखना है, जावा स्क्रिप्ट को स्क्रिप्ट टैग के अंदर लिखा जाता है, तो आउटपुट क्या होगा, हेलो वर्ल्ड होगा। देखिएगा दोस्तों तीसरा भी हेलो वर्ल्ड है, डिफरेंस क्या है, इन्वर्टेड कॉमास मैसेज को शो करते हैं, कोडिंग में लगाए जाते हैं, आउटपुट में ये डिस्प्ले नहीं होते हैं। चलिएगा दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या है, हाउ डू यू कैंसिल द प्रिंट जॉब्स विच आर इन क्यून विंडोज। विंडोज में प्रिंट जॉब्स को कैसे कैंसिल करेंगे, सबको पता है कि प्रिंटर आइकन पर क्लिक करेंगे और प्रिंट जॉब की जो क्यू है ओपन करेंगे और कैंसिल करेंगे जो हमें जॉब कैंसिल करनी है, पहला विकल्प सही है। तो दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, विच डिवाइस इज यूजुअली नॉट कनेक्टेड टू द UPS डायरेक्टली बिकॉज ऑफ हाई पावर कंजप्शन।
किस डिवाइस को हमें डायरेक्टली यूपीएससी से नहीं जोड़ना चाहिए क्योंकि बहुत ज्यादा पावर खर्च होती है। तो सीधा आप समझ लीजिए पहला विकल्प क्या है, केवीएम स्विच। केवीएम क्या होता है, कीबोर्ड वीडियो मॉनिटर। ये स्विच होता है, एक डिवाइस होती है जो विभिन्न कंप्यूटर में केवीएम जो है कीबोर्ड वीडियो मॉनिटर को कंट्रोल करती है। फिर एक्सटर्नल माउस है, माउस कितनी पावर लेता है सब जानते हैं, बहुत कम पावर लेता है, यानी लगा सकते हैं। वीडियो कैमरा बहुत कम पावर लेता है, तो सबसे अधिक पावर क्या लेता है, लेजर प्रिंटर लेता है। तो सही विकल्प क्या होगा, लेजर प्रिंटर को डायरेक्टली यूपीएससी नहीं बोलना, नहीं लगाना चाहिए, नहीं तो आपको यूपीएस खराब हो जाएगा या जल्दी डाउन हो जाएगा। चलिएगा दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, क्या है, इन यूनिक्स ए प्रोसेस इज ए। यूनिक्स में प्रोसेस क्या होता है, सभी को पता है कि प्रोसेस क्या होता है, एक्टिव एंटिटी होता है, और क्या होता है, एक रनिंग प्रोग्राम होता है प्रोसेस। अच्छा, बैकग्राउंड प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डेमॉन्स बोलते हैं, ये भी सब जानते हैं। चलिएगा दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म कंट्रोल टाइप डज नॉट यूज द इनपुट एलिमेंट। तो ये HTML का प्रश्न है, कहां से है, HTML का। देखिएगा वर्ष 2018 के पेपर में HTML से भी ये कई सारे प्रश्न पूछे गए थे, तो ये पोर्शन आपको तैयार करके रखने हैं, HTML की सेपरेट वीडियो हमारे ऐप में मिल जाएगी। तो इनपुट जो आपका टैग है उसके साथ आप चेकबॉक्स बना सकते हैं, पासवर्ड बना सकते हैं, टेक्स्ट फील्ड बना सकते हैं, कौन सा नहीं होता, मल्टी टेक्स्ट नहीं होता, मल्टी टेक्स्ट हमारा सही विकल्प है। चलिएगा दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, क्या है, तो ये इस तरह से हमने कुछ प्रश्न देखे प्रीवियस ईयर के, और इन्हें आप प्रिपेयर करते रहिए, और अधिक अगर आपको लैंग्वेज के बारे में पढ़ना है, कोडिंग को सॉल्व करना है, आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, ऐप में आपको विभिन्न वीडियोस मिल जाएंगे। धन्यवाद दोस्तों।